हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द डेराइविंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करने वाला हूँ। वो है अबाउट द फर्स्ट, हमें पता है जैसे कि इंस्टेंट एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेसिकली dv/dt। और सेकेंड जो फॉर्मूला होता है वो है अबाउट द इनिशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है dx/dt। और हमें पता है कि इधर जो x होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ अब हम एज्यूम करते हैं कि एक बॉडी जो है हम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाती है इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, और ये जो डिस्टेंस है वो है x मीटर, और ये जो बॉडी है वो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाती है विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एंड विथ इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। ओके, और टोटल टाइम जो बॉडी लेती है फ्रॉम पॉइंट मतलब कि अगर पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने में वो ले लेते हैं टी सेकेंड्स। ओके, टोटल टाइम जो होता है वो है टी सेकेंड्स। ओके, नाउ अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडरेशन में लेंगे जो है अबाउट द dv/dt। ओके, नाउ इट बिकम्स दिस इक्वेशन बिकम dv = a dt। ओके, नाउ अब हम बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, सो इट बिकम्स इंटीग्रेशन dv है ना, एज इट इज फ्रॉम u मीटर पर सेकेंड टू v मीटर पर सेकेंड एंड a dt एंड इट इज एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स इट इज फ्रॉम 0 टू t सेकेंड्स। ओके, now this becomes uv। okay, as इधर हम देख मैंने बोला था कि constant acceleration से जाती है body, तो उसका मतलब ये हुआ कि इधर a जो है as such constant है तो ये बाहर आ जाएगा। so integration over dt का, okay, it becomes v minus u a t 0 t, it becomes v minus u a t and it becomes v equals to u plus a t। तो हमारे इधर एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली डेराइव हो चुकी है जो कि है v equals to u plus a t। ओके, नाउ अब सेकेंड इक्वेशन को हम डेराइव करेंगे, वो है अबाउट है ना, अब हमें जैसे कि पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है v equals to u plus a t। नाउ अब हम इधर v को बेसिकली इस dx/dt से रिप्लेस कर देंगे, सो इट बिकम्स dx/dt = u + a t। ओके, नाउ dx = u + a t dt। ओके, नाउ हम बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, dx एज इट इज फ्रॉम 0 मीटर टू x मीटर। ओके, u प्लस ए टी का भी हम इंटीग्रेशन करेंगे as with respect to time it is from 0 seconds to t seconds। okay, now it becomes x and as such it becomes u dt + a t dt 0 to t। okay, it becomes x equals to, as u is constant here, so it becomes u 0 t dt plus as such a भी इधर कॉन्स्टेंट है तो इट बिकम्स a 0 to t t dt। ओके, t dt, नाउ इट बिकम्स u इक्वल्स टू u। ओके, u as t नीचे 0 है तो इट बिकम्स u t plus a, as such इधर t dt का इंटीग्रेशन है ना फ्रॉम 0 सेकंड्स टू 3 सेकंड्स, सो इट बिकम्स t 1 + 1/1 + 1, क्योंकि बेसिकली इधर इसकी पावर इधर 1 है तो इधर 1 प्लस हो जाएगी। ओके, फ्रॉम 0 टू t। ओके, नाउ इट बिकम्स बेसिकली x इक्वल्स टू ut प्लस a t स्क्वायर बाय 2। ओके, एज आई हैव सॉल्व्ड इट 0 टू t। ओके, नाउ x equals to ut plus half a t square। सो हमारी इधर एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो चुकी है फ्रॉम बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, नाउ अब हम सेकेंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं। ओके,
यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके हमें जैसे इधर v इक्वल्स टू u प्लस ct है. ओके अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स जो है वो स्क्वेयरिंग कर देंगे, तो इट बिकम्स v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2 u a t. ओके नाउ v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, एज सच हम इधर 2a कॉमन ले सकते हैं, इट बिकम्स 2a u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके टू इट बिकम्स 2 u a t एंड इट बिकम्स a स्क्वायर t स्क्वायर, दिस इज हाफ, इट बिकम v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a. हमें जैसे कि पता है u t प्लस हाफ a t स्क्वायर बेसिकली x था. ओके तो इट बिकम्स x हियर, सो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी दे रहा है वो कही है यहाँ से u स्क्वायर प्लस 2ax. ओके yes these are the three equations of motion which I have derived by using the calculus. Okay and thank you.